गजेंद्र सिंह की बात करें तो क्या काम करवाए यहाँ पे जोधपुर में, उस मुद्दे पर बात करेंगे। सब गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे क्या काम करवाया? गजेंद्र सिंह ने तो मतलब काफ़ी काम करवाए, जैसे पानी का मुद्दा है, जैसे हमारे वहाँ हेलीकट बनवाया उन्होंने, इंद्रो का मैंने बहुत बड़ा हेलीकट बनाया, ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। भूमि का जल स्तर है वो बढ़ेगा हमारे, और जोधपुर का पानी, कैनाल का पानी यहाँ जोधपुर भेजने में योगदान रहेगा। मोदी जी पसंद है या राहुल गांधी? मोदी जी पसंद है, राहुल गांधी तो कहीं निकट कहीं ठहरते ही नहीं है ना, नामो निशान ही नहीं है वैसे बात समझो तो। आप मोदी जी इतना पसंद क्यों है आपको? उन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन्होंने विश्व स्तर पर अपने भारत की पहचान बना दी, इसलिए मोदी जी पसंद है। उन्होंने जो भी काम किया, जैसे J&K की उन्होंने 377 धारा हटाई है, राम मंदिर बनाया है, और भी पाकिस्तान में जाकर अटैक किया है, तो और उससे ज़्यादा क्या चाहिए हिंदुस्तान को? मोदी जी पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक किया, ये अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा साहब, इतनी हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए, उनका शेर का कलेजा है, तब उन्होंने अटैक किया। 56 इंच का सीना ये मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, 56 से बढ़ गया होगा, 2 इंच और बढ़ गया होगा। गले में सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, गर्व है मुझे मेरे इस दुपट्टे पर। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने राम युग तो नहीं देखा, लेकिन मैंने मोदी युग देखा। जोधपुर लोकसभा की बात करें जी, आपका मन क्या कह रहा है? भाजपा आएगी। क्या कारण क्या है? बहुत से कारण है, उनमें से खास तौर पे तो जो लोगों के लिए काम किया है वो तो है ही है, क्रेडिबल है बहुत कुछ, बट स्पेशली जो महिलाओं के लिए किया है वो भी कम नहीं है। तो महिलाओं के लिए स्पेशली आरक्षण लाना, सीट्स रिजर्व करना, महिलाओं के लिए इवन रूरल लेवल पे इतनी सारी योजनाएं लाना, जैसे जल के लिए योजनाएं लेकर आए हैं, हर घर जल, साफ सफाई के लिए योजनाएं लाए हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं। तो मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ कि इस बार BJP आएगी। कांग्रेस की तरफ से इतनी नाराजगी क्यों आपको? नाराजगी नहीं है, नाराजगी हमारी किसी से भी नहीं है, बस ये तो कार्य वाली बात है कि जो बेहतर कार्य करे वही आ गया है, लेट द बेस्ट मैन विन। गजेंद्र सिंह जी ने कौन से अच्छे काम करवा दिए यहाँ पे? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हर घर तक जल पहुँचाना और साफ सुथरा पानी, स्पेशली गांव की महिलाओं के लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें दूर दूर से जाके जल भर के लाना पड़ता है, तो जल संसाधन मंत्री होने के नाते उन्होंने एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, मैं तो इवन UP तक की सुन रही हूँ कि उन्होंने वहाँ तक भी कार्य किया है, तो एज अ सेंट्रल मिनिस्टर बहुत बड़े कार्य है। आप महिला हैं, महिला की हैसियत से BJP ने कौन से अच्छे काम करवाए? बहुत से अच्छे काम कराए हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजनाओं में हर घर पे गैस का चूल्हा पहुँचाया है, महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आए हैं, एजुकेशन के लिए लेकर आए हैं, राजनीति में उनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशंस लाए हैं, तो कई सारी योजनाएं हैं जो मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है। शासन की बात करें तो राजस्थान में जो नई सरकार बनी है कैसी लग रही है आपको? बहुत ही अच्छा कार्य किया है अभी तक, और उम्मीद है कि हम सब के साथ मिलके हो और आगे भी बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से जीतते रहेंगे। मन में ये चल रहा है राष्ट्र हित के लिए, जो 10 साल से हमने कार्य देखा है मोदी जी का, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमें मोदी जी को लाना है। जो पास्ट हम देखते हैं, क्योंकि मैं जोधपुर में जन्मी हुई हूँ, एजुकेशन ईच एंड एवरीथिंग मेरा जोधपुर से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जो 65 साल पहले का जो मैंने जोधपुर देखा है और अब का जो मैं महसूस करती हूँ, आम पब्लिक के नाते भी मैं अपने आप को बोलूँगी, तो मैं मोदी जी को चाहूँगी। मोदी जी के अच्छे काम कौन से जो अच्छे लगे आपको बहुत ज़्यादा? महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए, किसानों के लिए सम्मान निधि योजना, क्या नहीं किया मोदी जी का? सनातन धर्म, उन्होंने देखो धर्म के प्रति भी, देखो हम हिंदुस्तान हो के अगर हम हिंदुओं की बात ना करें, मैं ये नहीं कहती, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों का मोदी जी सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं हमारा भी तो धर्म का सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मस्जिद हटाओ, मंदिर लगाओ, मैं वो नहीं कहती हूँ, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में भारत देश है, अगर उसका भी हम सम्मान नहीं करेंगे, वो मोदी जी कर रहे हैं, तो हमें जो रिगार्ड रिस्पेक्ट है, हम तो दीर्घ आयु की भी कामना करते हैं, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, लंबी आयु। जोधपुर लोकसभा में हैं आप यहाँ पे, गजेंद्र सिंह जी के प्रति क्या है? पूरा रिस्पेक्ट रिगार्ड है, क्या नहीं किया 10 साल पहले की अगर मैं पानी की बात करूँ, पानी पाली से आता था, लोग जोधपुर में, मैं रिटायर्ड टीचर भी हूँ केंद्रीय विद्यालय की,
लोग जोधपुर में ट्रांसफर लेके बाहर निकल जाते थे क्योंकि पानी से त्रस्त रहते थे, पानी नहीं आता था। पाँच पाँच छः छः दिन में एक बार पानी आता था और नलों में बाल्टियाँ लगाई जाती थी, हमने खुद ने भी लगाई है। और अब आप जोधपुर की ग्रीनरी देखें, सूखा ग्रस्त इलाका था जोधपुर शहर, अब आप ग्रीनरी देखते हैं, पानी रोज़ नहीं आता था, अल्टरनेट तो पानी तो फुल पानी आता है। हर घर में आप गमले देखेंगे, अगर पानी की अगर त्रस्त रहती पब्लिक तो क्या महिलाएं मटका लेके जोधपुर में नहीं मतलब सड़कों पे मटके नहीं फोड़ती? पहले बहुत पहले पेपर्स में आता था कि जोधपुर में महिलाएं मटके लेके सड़कों पे फोड़ती थी, हड़ताल करती थी। क्या अब आपने आप एक न्यूज़ आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्या अब आपने कभी सुना न्यूज़पेपर में सुना भी है कि महिलाएं जो है मटका लेके चौराहे में आ गई या जो है किसी कार्यालय में जाके धरना दे रही हैं? सुना है कभी आपने? मैंने तो नहीं सुना। आपके लिए आप ग्रीनरी देखते हैं, हर ये गमले ये कैसे हो रहे, बिना पानी के हो रहे? क्या ये ऐसी हरियाली पनप रही है जोधपुर के अंदर? क्या मन में क्या चल रहा है? मन में बीजेपी मोदी क्या वजह क्या है? राष्ट्रवाद, देशभक्ति, लोगों में जज्बा पैदा किया है, लोगों को जागरूक किया है, विकास का मार्ग दिया है। जितने बजट है पहले सभी सोचते नहीं थे, एक जहाँ पर प्रधानमंत्री आके करोड़ों अरबों का बजट आगे सैंक्शन कर रहा है, विकास भारत को तरफ ले जा रहा है, मोदी जैसा तो वर्ल्ड में अच्छा आया हुआ। मोदी जी में पावर देखा आपने? यस, मोदी में पावर देखा, भगवान के रूप में। ऐसा युगों युगों में शायद हमारे हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में इस मोदी जैसे भगवान हम देख रहे हैं। लोकसभा जोधपुर में किसको वोट करेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत। विकास कार्य की बात करें तो क्या कर किया है? चारों में रिंग रोड बना दी, नया एयरपोर्ट विस्तार होगा, रेलवे स्टेशन आधुनिक बनेगा 2-3 सालों बाद में, और क्या चाहिए? पूरा परिवार बीजेपी के साथ में? पूरा परिवार बीजेपी के साथ में, आज तक कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया, ना देंगे। क्या कारण, क्या कांग्रेस इतनी नापसंद क्यों है? कांग्रेस देश विरुद्ध है और देश के जो विरुद्ध रहेगा उसके खिलाफ ही वोट देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं मोदी जी है जिन्होंने हमें इस लायक खड़ा किया है कि आज हम गले में दुपट्टा लेके अब सबके सामने मोदी जी के लिए बोल रहे हैं। हम इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे लिए बहुत कुछ कार्य किया है, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाएं थी चूल्हे में जो खाना बनाती थी उनके लिए उज्ज्वला योजना, मतलब सबसे बड़ा आभार महिलाओं के लिए ये है कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है। 33% आरक्षण कहने के लिए कहा जाता है क्या? नहीं नहीं, घर-घर पहुंची ही हो? हाँ जी हाँ जी, मेरे खुद की गली में कुछ है महिलाएं जिनके घर पे ये प्रॉब्लम थी, उनके घर तक पहुंचा है, घर घर नल, हमारे शेखावत जी ने घर घर नल पहुंचा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, मैंने खुद ने ये जमीनी स्तर पर देखा है। वोट फॉर बीजेपी, और मैं सबको भी यही कहूंगी कि अगर आगे धर्म की रक्षा करनी है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो हमें वोट मोदी जी को ही देना चाहिए।